नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में मुकदमे की गवाही देने पर एक किसान पर जानलेवा हमला किया गया है। पीड़ित परिजनों का सीधा आरोप है कि जानलेवा हमले में घायल किसान को लेकर जब वह सैनी थाने पहुंचे तो पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा लिखने के बजाय उन्हें थाने से धुतकार कर भगा दिया। पुलिस की शर्मनाक करतूत के बाद आक्रोशित परिजन घायल किसान को 108 एम्बुलेंस में लेकर मंजनपुर जिला मुख्यालय चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान मौके पर जाम खुलवाने पहुंचे सर्किल ऑफिसर सदर और परिजनों के बीच तीखी झड़प भी हुई। आखिरकार पुलिस ने बलपूर्वक जाम हटवाते हुए घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कौशाम्बी के डक सरीरा गांव के रहने वाले कपिल मुनि त्रिपाठी रविवार को सैनिक कोतवाली के सौरई गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ रुके थे। सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट सिराथो के न्यायालय में चल रहे मुकदमे में गवाही दिया। जब वो गवाही देकर वापस सौराई गांव लौट रहे थे, रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर लाठी डंडा से हमला कर लहूलुहान कर दिया। जब आसपास के लोग बचाव के लिए आगे आए तो हमलावरों ने फायर झोंक दिया, जिसके बाद परिजन घायल किसान को लेकर सैनिक कोतवाली पहुंचे तो पुलिस ने उसका मुकदमा नहीं लिखा। मंजनपुर चौराहे पर जाम लगाए बैठे परिजनों ने सैनिक कोतवाली पुलिस पर आरोपियों को बचाने और मुकदमा न लिखे जाने का आरोप लगाते हुए 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस ने बलपूर्वक जाम हटवाते हुए इस घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मौके पर मौजूद सर्किल ऑफिसर सचिदानंद पाठक ने घटना के बाबत मीडिया के सवालों पर संतुष्टजनक जवाब न देते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए। ऐसा हुआ है, आप ऐसी खड़ा पे पेशेंट मंजनपुर रिफर हुआ, उसको ले जा रहे हैं मंजनपुर जिला अस्पताल। वो बोल रहे हैं टेंडर, उसको एसपी ऑफिस ले चलो, एसपी ऑफिस नहीं जाते, उसको इलाज के लिए जाते हैं मंजनपुर जिला अस्पताल।